हेलो एंड वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OBS स्टूडियो से कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, कैसे आप OBS का यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको obsproject.com में चले आना होगा। OBS विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में OBS को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे तीन अलग अलग बटन आप देख सकते हो। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, इसलिए मैं विंडोज वाले बटन पे क्लिक करूंगा। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी हिसाब से आप यहाँ पे बटन पे क्लिक कीजिए। बटन पे क्लिक करते ही एक अलग पेज ओपन हो जाएगा और OBS डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना डायरेक्टरी सिलेक्ट कीजिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो OBS डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बताता हूँ। OBS डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरीके का एक exe फाइल मिलेगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का बॉक्स आपके सामने आएगा, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है। जिस भी लोकेशन में आप OBS को इंस्टॉल करना चाहते हो लोकेशन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो OBS इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और जैसे ही ये एक बार इंस्टॉल हो जाता है आप फिनिश बटन पे क्लिक करके इजिली इसको लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो OBS लॉन्च हो चुका है और लॉन्च होने के बाद ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का परमिशन मांग रहा है आपसे। यहाँ पे आपको नो बटन पे पहले क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे आप OBS को देख सकते हो। पहले मैं OBS के सेटिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, कैसे आप वेबकैम को एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, कैसे आप OBS में क्रोमा की ऑप्शन का यूज कर सकते हो, कैसे आप नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हो। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको सेटिंग का एक बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप OBS का सेटिंग्स देख सकते हो और यहाँ से आप सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं पहले OBS का थीम चेंज कर रहा हूँ। एकदम जनरल सेटिंग में आप देख सकते हो थीम चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने हिसाब से थीम को चेंज कर सकते हो, जो भी थीम आपको अच्छा लगे आप उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे और भी बहुत सारे सेटिंग्स है बट ये सब सेटिंग्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चले आते हैं आउटपुट ऑप्शन में। आउटपुट ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने वीडियो का रेंडर लोकेशन चेंज कर सकते हो, यानी आपका वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ पे जाके सेव होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने वीडियो का बिटरेट चेंज कर सकते हो, आप अपने ऑडियो का बिटरेट चेंज कर सकते हो। नीचे आप देखिए रिकॉर्डिंग पाथ दिया हुआ है, यहाँ पे आप जिस भी पाथ को सिलेक्ट करोगे वहीं पे आपका वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद सेव होगा। तो मैं इसको डेस्कटॉप कर देता हूँ। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको सेम एज स्ट्रीम रखोगे तो आप रख सकते हो बट उसमें आप अपने वीडियो को पॉज नहीं कर सकते। वीडियो को रिकॉर्ड एक बार शुरू होने के बाद आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो बट पॉज नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉसलेस क्वालिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है बट उसमें वीडियो का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सेम एज स्ट्रीम ही रखता हूँ और यहाँ पे वीडियो का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे MP4 फॉर्मेट कर देता हूँ। ऑडियो ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने ऑडियो को चेंज कर सकते हो, आप अपने ऑडियो को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो का चैनल चेंज किया जा सकता है, ऑडियो का जो बिटरेट या सैम्पल रेट है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वीडियो ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने वीडियो का क्वालिटी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट क्वालिटी सिलेक्टेड है बट यहाँ से आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए OBS को यूज करना चाहते हो तो सिंपली स्ट्रीम वाले सेक्शन पे जाइए। यहाँ पे सर्विसेज में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद सारे प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब के लिए लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके नीचे आइए, यहाँ पे आपको YouTube गेमिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप YouTube को सिलेक्ट कर सकते हो। YouTube को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक स्ट्रीम की देना होता है, वो आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल में लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अपने योर टेक्निकल गाइड चैनल में लॉगिन करके रखा है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना होगा, फिर YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देना होगा। YouTube स्टूडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर स्किप बटन पे आपको क्लिक करना होगा और फिर गो टू लिगेसी क्लासिक के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप YouTube के क्लासिक डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग का एक ऑप्शन देख सकते हो।
लेफ्ट साइड में लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे आप एनकोडर सेटअप देख सकते हो और यहाँ पे स्ट्रीमिंग नेम ऑब्लिक की दिया हुआ है, आपको रिवील बटन पे क्लिक करना है। आपका जो भी स्ट्रीमिंग की है या स्ट्रीम नेम है उसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है और OBS में जाके उसको पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने OBS में स्ट्रीमिंग की को पेस्ट कर दिया है। स्ट्रीमिंग की आपको किसी के सामने भी रिवील नहीं करना है, वरना दूसरा कोई आपके चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर सकता है इस स्ट्रीमिंग की का यूज करके। अभी बाकी कुछ भी वैसा कोई सेटिंग नहीं है, फिर भी आप एडवांस सेटिंग्स में आके अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। बट मैं अभी कोई भी सेटिंग्स को चेंज यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। बस अभी मैं यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करूंगा और फिर ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। OBS में कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको एक स्क्रीन लेना होता है और फिर उस स्क्रीन के अंदर कुछ सोर्सेस को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे आप नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे स्क्रीन को देख सकते हो। प्लस बटन पे क्लिक करके आप अलग अलग स्क्रीन यहाँ पे ऐड कर सकते हो और फिर उन स्क्रीन को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद आपको सोर्सेस को ऐड करना होता है। यहाँ पे प्लस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे सोर्स आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले कैप्चर के बटन पे क्लिक करके आप अपने डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो भी डिस्प्ले है वो यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों मैंने अपने डिवाइस पे OBS को पहले भी यूज़ किया था, इसीलिए डिस्प्ले मेरा एक ही बार में शो हो गया। बट ज़्यादातर कंप्यूटर में या डिवाइस में ऐसा नहीं होता है। पहली बार अगर आप इसको यूज़ करोगे, सोर्सेस में डिस्प्ले कैप्चर को ऐड करोगे, तो आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, मेरा जो कंप्यूटर है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। सिस्टम टाइप में आप ये देख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप चेक कर लेने के बाद आपको अपने विंडोज के सेटिंग्स में चले जाना होगा। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में चला जाता हूँ। फिर आपको सिस्टम में क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाना होगा। नीचे आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउज में आपको क्लिक करना होगा। लोकल डिस्क सी में जाना होगा, प्रोग्राम फाइल्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको OBS स्टूडियो सर्च करना है। ये रहा OBS स्टूडियो, इसके अंदर आपको विन फोल्डर में जाना होगा। फिर 64 बिट पे क्लिक करना होगा और OBS 64 को सिलेक्ट करके आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐड बटन पे क्लिक करते ही इस तरीके का कुछ आ जाएगा। फिर आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, पावर सेविंग पे क्लिक करना होगा और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये सब होने के बाद आप इस पेज को क्लोज कर दीजिए। अभी आपको सर्चेस में OBS टाइप करना है। OBS आ गया है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं। सॉरी ये क्लिक हो गया, मैं फिर से यहां पे OBS को सर्च करता हूं, राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर और फिर ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे OBS स्टूडियो में फिर से राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहां पे आप कॉम्पेटिबिलिटी देख सकते हो। यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड टू विंडोज 7 आपको करना है। और नीचे रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के बॉक्स को चेक करने के बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। बस आपका जितना भी सेटिंग्स करना था वो सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है। अभी आप एक बार OBS को क्लोज करो और फिर से इसको ओपन करो, यानी एक बार आप OBS को रिस्टार्ट कर लो तो आप देखोगे आपका OBS आपके डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर इसके बाद भी आपका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और आपके कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड है, तो सिंपली स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करके NVIDIA कंट्रोल पैनल में आपको चले जाना होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे मैनेज 3D सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको प्रोग्राम सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको ऐड बटन पे क्लिक करके OBS को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे OBS स्टूडियो आप देख सकते हो,
इसको आपको ऐड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मेरा OBS मेरे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर ये सब करने के बाद भी OBS आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे ऊपर हेल्प बटन पे जाने के बाद आप चेक फॉर अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर OBS का कोई भी अपडेट होगा तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है और मेरा स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ वॉइस ओवर भी करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और सोर्स को ऐड करना होगा। ऑडियो इनपुट कैप्चर नाम का ये सोर्स फाइल है, इसको आपको ऐड कर लेना होगा। यहाँ पे आपको अपने माइक्रोफोन को सिलेक्ट करना है। अगर आप एक्सटर्नल माइक यहाँ पे ऐड करते हो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्सेस में अभी दो सोर्स आ गया है जिसमें से एक आपका स्क्रीन कैप्चर करेगा, एक आपका ऑडियो कैप्चर करेगा। अभी अगर आपके वीडियो में आपको टेक्स्ट लाना है या टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना है तो टेक्स्ट नाम के सोर्स को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी जिस भी टेक्स्ट को आपको अपने वीडियो के ऊपर रखना है या स्क्रॉल करवाना है उस टेक्स्ट को पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेलो एंड वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। तो आप भी अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बटन दिया हुआ है फॉन्ट को चेंज करने का और बहुत सारा फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जिस भी फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना हो, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नीचे ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। फॉन्ट चेंज करने के बाद हम इस टेक्स्ट में एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लू कलर कर देता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर जैसे ही मैं बैकग्राउंड ओपेसिटी को बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे टेक्स्ट में मेरा एक बैकग्राउंड आ गया है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। मैं इसका कलर चेंज करके फिर से ब्लैक कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे अलाइनमेंट को भी आपको चेंज करना है, अलाइनमेंट आपको सेंटर करना है और वर्टिकल अलाइनमेंट आपको बॉटम कर देना है। टेक्स्ट आपके वीडियो में आ चुका है, इसको आप रिसाइज कर लीजिए। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और वीडियो के एकदम नीचे लाता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को अपने वीडियो के नीचे स्क्रॉल करवाऊंगा, इसलिए उसी हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेने के बाद, रिसाइज कर लेने के बाद, अगर आपको टेक्स्ट में स्क्रॉलिंग इफेक्ट लगाना है तो सोर्सेस में जो टेक्स्ट फाइल है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा, फिल्टर पे क्लिक करना होगा, फिर प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो स्क्रॉल इफेक्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी देखिए जैसे ही मैं इसके स्पीड को एडजस्ट करता हूँ तो टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। अब अपने हिसाब से स्पीड को सिलेक्ट कीजिए और फिर क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हो ये टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है और ये लूप में स्क्रॉल होता ही रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ अगर आप अपने वेबकैम से खुद को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस नाम के एक और सोर्स फाइल को आपको ऐड करना होगा। अब देख सकते हो आपका वेबकैम इनेबल हो गया है और आप अपने आप को रिकॉर्ड कर पा रहे हो। कॉन्फिगर वीडियो बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने वीडियो के ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हो और जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से चेंज करने के बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते ही आप देखोगे आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपका वेबकैम आपके फेस को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे जो टेक्स्ट क्रॉल हो रहा है वो पीछे चला गया है, इसलिए मैं यहाँ पे सोर्सेस में टेक्स्ट को सबसे आगे लेके आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट सबसे आगे है। यहाँ पे मैंने अपने वीडियो को जो मैं वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा क्रोमा की का यूज। अगर आपके वीडियो का बैकग्राउंड किसी एक कलर का है, जैसे कि मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, तो आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो क्रोमा की इफेक्ट से। इसके लिए आपको अपने वीडियो सोर्स फाइल में राइट क्लिक करना होगा, फिल्टर पे जाना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद क्रोमा की इफेक्ट को ऐड करना होगा। ओके बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखोगे क्रोमा की इफेक्ट अपना काम शुरू कर दिया है।
यहाँ पे की कलर टाइप पे ग्रीन सिलेक्टेड है और मेरा बैकग्राउंड भी ग्रीन कलर का था, इसीलिए मेरा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अगर आपका बैकग्राउंड किसी और कलर का है तो वहां से आप की कलर को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। YouTube में वीडियो बनाने के लिए या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए जितने भी सेटिंग्स जानना जरूरी था आपको, वो सारे सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया है। अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है। ये इसी कारण आ रहा है क्योंकि मेरा जो वीडियो ड्राइवर है वो अपडेट किया हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैं सिंपली सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स बटन पे क्लिक करते ही आपको आउटपुट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पे इनकोडर को आपको चेंज कर देना होगा। यहाँ पे आप हार्डवेयर QSB रख सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो, बस आप इनकोडर को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो अपने रिकॉर्डिंग क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप सेम स्ट्रीम रखोगे तो उसको पॉज नहीं कर सकते, अगर आप किसी दूसरे क्वालिटी में इसको रिकॉर्ड करोगे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो। बस अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। अभी जैसे ही मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये OBS मेरे स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो मैं अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड हो जाने के बाद मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी करूंगा और स्टॉप करने के बाद आपके सामने ही इस रिकॉर्डिंग को मैं प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए बहुत हो गया रिकॉर्ड, अभी इसको मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे पॉज भी आप चाहो तो कर सकते हो, पॉज का भी ऑप्शन है, और स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करके आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। सेटिंग्स में आपने अपना रेंडर लोकेशन यानी वीडियो एक्सपोर्ट होके जहाँ पे जाएगा जो सिलेक्ट किया था वहीं पर आपको अपना वीडियो मिल जाएगा। अब देख सकते हो मैंने इस वीडियो को प्ले किया है और बिल्कुल जैसे मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये शो हो रहा है। आप इसका क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, HD क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट होके आया है। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को थोड़ा अगर और मैं एडजस्ट करता तो यहाँ मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वेबकैम से वो भी और भी बढ़िया देखने को मिलता। अगर आप इस ट्यूटोरियल को अभी तक देख रहे हो और इससे कुछ सीखा है आपने तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। OBS में आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप OBS को क्लोज कर देते हो और फिर से जब आप इसको दोबारा ओपन करते हो तो आपको वही सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे जो आपने पहले से करके रखा था। देखिए मैंने अपने OBS को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, फिर से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और जैसे ही ये ओपन होगा आप देखेंगे बिल्कुल वही सारे सेटिंग्स मुझे मिल रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखे थे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।